अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमें यकीन है कि आप हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे और हमें दुआ में भी याद रखे होंगे। आज हम आपके लिए एक नए रेस्टोरेंट लेके आए जिसका नाम है डोनर्स एंड ज़ायरोस। ये ज़ायरोस का ये ग्रीक का नाम है। इसको जब अपन हिंदी में या अपने मतलब अपनी लैंग्वेज में इसको अपन रोल भी कह सकते हैं या शोरमा भी कह सकते हैं, लेकिन जब ग्रीस में जाते हैं या ग्रीक में जाते हैं तो उसको ज़ायरोस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी नई शॉप खुली है, ये उसी लेन में जहाँ पे डोमिनोज भी है और जहाँ पे मैंने कल वो थाली का भी बनाया था, तो जो कि हरी मोरिन के नाम से थाली थी, उसके हरी मोरिन की थाली के एकदम सामने है। तो आप इसका जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में आप देख भी सकते हैं, मैंने वहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है। तो चलिए सीधा वहाँ चलते हैं डोनर्स और ज़ायरोस पे, चलिए। और मुझे पता नहीं वो हलाल है कि नहीं, मैं जाके पूछूंगा हलाल है या नहीं है, वरना अपन वेज खाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ आ गए हैं डोनर्स एंड ज़ायरोस, तो चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं यहाँ पे क्या क्या है। चलिए, तो खुशबू आ रही है मुझे माशाल्लाह यहाँ पे। तो ये देखिए आप मेरे पीछे है ये जो मैंने आपको बताया था डोनर्स एंड ज़ायरोस। देखिए आप, ये उसी लेन में है जहाँ पे है ये हरी वेदास की जो थी ये मान मनु ये हरी मोरिन के नाम से। तो अंदर चलते हैं और जानते हैं इनके पास क्या क्या है। ये कब ओपन किया आपने? ये 6 मार्च। 6 मार्च को ओपन किया है। अब पहले बात तो मुझे ये बताएं, यहाँ पे ये आपका जो नॉन वेज है हलाल है? सर्टिफाइड है। तो ये देखिए आप यहाँ पे, अगर आप इनके पास सब कुछ सर्टिफाइड है तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो माशाल्लाह एवरीथिंग इज हलाल। जब आप यहाँ पर आए तो कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं कि हलाल है या नहीं है, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है। ये सर्टिफाइड है, पूरा हलाल है। आप देख सकते हैं, पास में लेके आए जरा, एवरीथिंग इज हलाल। तो आप यहाँ पे सब कुछ ट्राई कर सकते हैं। अब मैं भैया से बात करता हूँ, यहाँ पे क्या क्या फेमस है। हाँ सर, आपके यहाँ पे क्या क्या फेमस है? सर, हमारी थ्री सिग्नेचर प्रोडक्ट होते हैं डोनर, चारों एंड रैप। डोनर इज ए प्लेन वफल प्लेट, इनसाइड है थ्री सिग्नेचर सॉस, जी हर्ब्स एंड लेमन गार्लिक सॉस एंड स्पाइसी सॉस एंड वेजिटेबल। डोनर इज ए टू ऑप्शन, पनीर एंड चिकन। एंड चारों इज शिकागो फेमस स्ट्रीट फूड। ज़ायरोस? यस, ज़ायरोस इज शिकागो स्ट्रीट फूड फेमस है। प्लेन पिज्जा, ये तो वैसे ये ग्रीक का है ना, ये तो ग्रीक से आया है ज़ायरोस, शिकागो का। इसमें पिज्जा प्लेन पिज्जा ब्रेड होती है, जी जी, इनसाइड तजिकी सॉस मेड ऑफ कट प्रेस और एक क्लासिक रैप। तो आप हमारे लिए क्या क्या करेंगे, आप बताएं बेस्ट क्या है? सर, आप हमारे ये तीनों डिश है जो ट्राई कीजिए, और अभी हमारे लेटेस्ट ऑफर चल रहा है पॉकेट डोनर पे। ये कह रहे हैं कि इसमें पॉकेट डोनर पे ऑफर भी, इसमें भी प्लेन वफल ब्रेड होती है, जी जी, और इसमें अभी मील 99, मील 149 एंड मील 249 चल रहा है। तो मैं नॉन वेज का बहुत शौकीन हूँ और माशाल्लाह सबसे अच्छी बात यहाँ पे एवरीथिंग इज हलाल। तो आप शोरबा चिकन, जी शोरबा चिकन, शोरबा चिकन। तो आप एक तो करते हैं ये क्लासिक बर्लिन डोनर, यस, एक करते हैं आप क्लासिक शिकागो ज़ायरोस, बस ये दोनों ट्राई करते हैं फिर आपको बता देंगे। सर, ये देख लीजिए आप, किचन भी यहाँ भी है। यहाँ पे आप ज़रूर ट्राई करें क्योंकि काफ़ी फेमस ब्रांड है, और अगर आपको ग्रीक के ज़ायरोस खाने हैं तो आपको जोधपुर में अवेलेबल मिल जाएंगे। मैं बस वेट करता हूँ मेरे ऑर्डर का। तो मैंने ऑर्डर तो दे दिया है, एक तो मैंने क्लासिक बर्लिन डोनर दिया है, एक मैंने शिकागो ज़ायरोस की जो मैंने दिया, जो बहन ने मुझे बताया था। तो बस ये दोनों ऑर्डर जो बनते हैं मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं और कितना हाइजीन का इन्होंने ध्यान रखा है। सब ग्लव्स व्लव्स सब पहन के बना रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बात है। चलिए इनकी किचन देखिए, इनको जब अपन के किचन में जाते हैं तो ये मुझे इन्होंने जो ये डिस्पोजेबल जो इन्होंने कैप दी है इसके बिना अलाउड नहीं अंदर, क्योंकि पूरा हाइजीन का इन्होंने ध्यान रखा है। चलिए अपन डोनर्स और ज़ायरोस के किचन में चलते हैं, चलिए अंदर। है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये पहला है, तो ये चिकन इसको करेंगे, इसमें ग्रिल करेंगे, उसके बाद में फिर हमारा बनाएंगे। देखिए आप, तो ये मशीन चालू करेंगे और फिर इसमें से हमारा जो भी हमने जो दो ऑर्डर दिए हैं, एक तो डोनर का दिया है, एक ज़ायरोस का दिया है, तो पहले ये चिकन रोस्ट होगी, उसके बाद में फिर हमारा दोनों आइटम बनेंगे। इसमें ये ग्रिल होगा पूरा, और ये क्या मुझे ये जो स्टाइल है बहुत ये आराम से रोस्ट भी होता है, इससे क्या चिकन जूसी भी होता है। ये नहीं कि इसमें अगर आप कुछ ग्रिल कर रहे हैं तो तकलीफ कुछ नहीं होगी, जूसी में कुछ वो कमी नहीं होगी, जूसी काफ़ी रहता है चिकन इसमें।
दोनों हमने जला दिए। बस 50 ग्राम। ये सर कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देंगे सर, बताएं आपके चिकन की क्या खासियत, इतना जूसी कैसे होता है? सर हमारा जो चिकन है बाकी मार्केट से बहुत ही अलग है। बाकी मार्केट में होता जो 600 ग्राम्स होता है उसमें रेशे आने लग जाता है। अच्छा, 600 ग्राम से ऊपर के जो भी चिकन होते हैं उसमें क्या है कि चिकन के वो रेशे आने लग जाते हैं। और जो हमारा जो कंपनी का ये आरसी का प्लांट होता है डोनर का जो चिकन का, उसमें 600 ग्राम से ऊपर का चिकन एक्सेप्ट नहीं करते। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये सब छोटे चिकन यूज करते हैं जिससे क्या रेशे नहीं होते हैं। ये बात आपने बहुत अच्छी बताई। इसमें सीजनिंग मिक्स करके हमारा जो रेडी होता है पूरा पंजाब से आता है, दिल्ली से हमारे यहाँ पे। कटिंग देते हैं, ये हमारा चिकन तैयार हो रहा है। उसके बाद भैया जो हमने हमें ऑर्डर दिया है बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भैया आगे का पूरा बनाते हैं। ये कह रहे हैं कि पूरे इंडिया में सिर्फ 4 ही ब्रांचेज है इसकी, डोनर्स और ज़ायरोस की, जो कि जो थर्ड और जो फोर्थ जो ब्रांच है वो अपने जोधपुर में आई है। तो देखिए कितना बड़ा अपना जोधपुर, कितना तरक्की में जब खाने का मामला आता है। तो बस चले अपन ये बना रहे हैं भाई साहब फिर इनसे। और ये जो हमारी ब्रेड है वो टोस्ट हो गई है, ये फिलिंग करेंगे। क्या भैया स्पाइसी सॉस है बहुत। तो मैं बाहर तक कुछ भी आई थी आपकी जब आया ना, तो माशाल्लाह जबरदस्त। सबसे अच्छी बात ये हलाल है सब कुछ, खाने में मजा आएगा। ये क्या भैया? गार्लिक सॉस। ये गार्लिक सॉस है, देख लिया आप क्वालिटी, देख लिया आप सब, एकदम नीट एंड क्लियर है। मतलब कुछ भी मिक्स एंड मैच नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज फ्रेश एंड वेरी वेरी superior quality they are using, all the ingredients are very superior quality. ये देखिए शोरबा चिकन, और देखा कितना ये जूसी है, मतलब कितनी फ्रेश है। क्योंकि अगर चिकन अगर जूसी नहीं होगी तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। देखें आप कितना जूसी चिकन का। वेजिटेबल डालेंगे इसी में, लेटस है। ये क्या भैया? अच्छा हर्ब्स एंड लेमन सॉस है ये तो। बहुत ही ज़बरदस्त बना रहा भैया, तो बहुत टेस्टी लग रहा है मुझे तभी से। ये क्या, ये कौन सॉस है? हरीसा सॉस। क्लोजअप से देखें सो बस ये तैयार होने वाला है हमारा, और ज़बरदस्त लग रहा है ये माशाल्लाह। टमाटर भी चले गए इसमें, प्याज भी चले गए, स्टफिंग काफ़ी ज़बरदस्त की है। और इन्होंने सब कुछ जो स्टफिंग की वो एकदम परफेक्ट की है, मतलब ओवर स्टफिंग नहीं की हुई है, जिससे आप खाने में मज़ा आएगा। यस रेडी, ये तैयार है। ये हमारा एक जो डोनर है वो तैयार है। अब ये मेरा ज़ायरोस बना रहे हैं, डोनर्स तो बना दिया है जो क्लासिक डोनर्स थे, अब ये हमारा शिकागो ज़ायरोस बना रहे हैं भैया। ये काम मैंने बता दूँ, इसकी खुशबू में आया था ना, बस बहुत ज़बरदस्त आई थी, बाहर तो खुशबू आ रही थी। अब ये इसको ब्रेड हमारी सीख चुकी है, अब ये भैया इसमें स्टफिंग देंगे। सबसे पहले जो उनकी चिकन है वो जाएगी। मुझे चिकन का जो इसने जो किया हुआ है ना, देखो अब जूसी कितना है, ऐसा नहीं कि सूखा है चिकन, एकदम फ्रेश है माशाल्लाह। देखिए आप, तो इसमें चिकन चली गई, अनियन डालेंगे भैया, भाई साहब देखिए आप तजीकी। ये क्या तजीकी सॉस है? किसकी बनती भैया? ये दही की, दही की बनती है। अच्छा, तजीकी सॉस भी चली गई है, सब कुछ नया है मेरे लिए क्योंकि ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। क्योंकि जोधपुर है इंडिया में सिर्फ 4 ही ब्रांचेज, और फोर्थ जो ब्रांच खुली है वो अपने जोधपुर में खुली है माशाल्लाह। तो हम लोग आते रहेंगे यहाँ पे।
इसकी जो इन्होंने स्टफिंग की, इसमें सॉस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें जब आप जब कुछ भी रोल्स या रैप्स को खाते हैं तो ये अभी तैयार है। बस ये तैयार हो गया हमारा ज़ायरा। अब मैं इसको भी ट्राई करता हूँ। दोनों चीज़ें बन चुकी है, अब इसको ट्राई करके आपको बताता हूँ। मैंने पूरा इसका रैप बना दिया है और ये हमारे दोनों तैयार है। तो बस ये मेरे दोनों जो मैंने ऑर्डर दिए थे वो तैयार है। भाई साहब बहुत ज़बरदस्त बनाया आपने, मैं इसको ट्राई करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये जो है ये मेरा डोनर है और ये मेरा जो एक और मैंने ऑर्डर दिया था, जो ज़ायरोस मैंने ऑर्डर दिया था वो ये। चलिए ऊपर की इनकी सीटिंग बताते हैं और ऊपर ही अपन ट्राई करते हैं खाना कैसे, मतलब कैसा इन्होंने बनाया। चलिए ऊपर। तो बस अब इनकी जो एक और जो एरिया है वो ऊपर, मतलब सीटिंग जो है इनका ऊपर की तरफ है। दो फ्लोर्स हैं, एक पे तो पार्टी अपन कर सकते हैं और एक जो इनका सीटिंग एरिया है एक वो है। तो बस बैठ के मैं यहाँ पे खाना खाता हूँ, फिर आपको उसका रिव्यू देता हूँ कैसा लगा मुझे खाना। सीटिंग एरिया वो मैं आपको बता देता हूँ, ये दो फ्लोर्स हैं, एक पे तो आप पार्टी कर सकते हैं और एक पे आप लोग अगर फैमिली या किसी के साथ आए तो बैठ सकते हैं। भैया आए कर रहे हैं। तो पहले मैं डोनट ट्राई करता हूँ, उसके बाद फिर ज़ायरोस ट्राई करेंगे। स्टफिंग मैंने आपको बता दी है पूरा, इसका बनाने का तरीका आपको बताया है। देखिए आप, सबसे बड़ी बात चिकन बहुत फ्रेश है। जोरदार है माशाल्लाह। इसमें जो सॉस है ना उसका बहुत बड़ा, इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो सॉस का होता है, जो इन्होंने परफेक्टली स्टफिंग की हुई है और कुछ भी ओवर स्टफिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से क्या ये नीचे भी नहीं गिर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है और खाने में मज़ा आ रहा है। क्लासिक बर्लिन मैंने ट्राई कर लिया है जो कि डोनट था। अब ये मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये शिकागो ज़ायरोस है। बहुत ही ज़बरदस्त, और ये जो पेटा जो ब्रेड है ना काफ़ी सॉफ्ट है माशाल्लाह, मतलब वो रुकी नहीं, इसमें खाने में और मज़ा आ रहा है और जो स्टफिंग है वो और भी ज़बरदस्त है। तो मैं इसका मज़ा उठाता हूँ और फिर एंड में जाके आपको इसका रिव्यू पूरा देता हूँ, इसका एड्रेस बताता हूँ और बाकी बातें अपन ख़त्म करने के बाद में करेंगे। तो बस ये मैंने ट्राई कर लिया माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त है। और मैंने दो चीज़ें ली थी, एक तो मैंने बर्लिन डोनट लिए थे, एक शिकागो ज़ायरोस लिया था। तो मुझे टोटल बिलिंग हुई है मेरे कुल मिला के 570 की, 570 रुपीज़ मेरे को दो चीज़ें की इन्होंने, मतलब यहाँ पे इन्होंने मुझे मेरे को पैसे देने पड़े हैं, पर बहुत ही ज़बरदस्त है। बस अब यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, एक बार कह दो घंटी ज़रूर बजाएं। हाँ चलो चलते हैं फिर, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगर ज़िंदगी रही तो। हाँ मैनेजर, ये यहाँ के मैनेजर हैं, तो कभी भी आए तो उनसे मुलाकात करें, बहुत मस्त आदमी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो बस मैं बाहर जाता हूँ और क्या अच्छा। अब अरे देखिए आप भाई साहब ने मुझे नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो 15% ऑफ भी देंगे मुझे, इन्होंने दो कूपन दिए हैं, तो अगर किसी को चाहिए तो मुझसे एक कूपन कलेक्ट कर सकते हैं। मेरे से ये दो कूपन मेरे पास हैं, अगर किसी को भी यहाँ पे खाना तो मुझसे ये दो कूपन आप कभी भी कलेक्ट कर सकते हैं, आपको 15% ऑफ मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो सर ने हमारे सब्सक्राइबर के लिए दो कूपन भी दिए हैं जो कि आपको 15% ऑफ मिल जाएगा जब भी आप यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ ज़रूर आएँ, बहुत ही ज़बरदस्त खाना है। अब यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे और हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी ज़रूर बजाएं। बस यहाँ वीडियो ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए।